सो हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो आप लोग। और आज के व्लॉग में मैं आपके लेके आया हूँ i20 की N लाइन, जो कि भाई एस्टा ही है। बस थोड़े बहुत इसमें मतलब फीचर्स दे दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। मैं आज आपको क्लियर बता दूंगा, फ्रंट में आपको भाई सेम लाइट्स मिलती हैं जो एस्टा में मिलती हैं। प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिल जाएंगी और प्रोजेक्टर आपको 4 लैंप से मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको N लाइन की ग्रिल दे दी है और यहाँ पर एलोएज का थोड़ा चेंज कर दिया डिज़ाइन, बट वही आपको 16 इंचीज वाले मिल जाएंगे। और यहाँ पे रेड इंसर्ट दिया गया काफ़ी ज़्यादा। N लाइन की यहाँ पे बैजिंग देख सकते हो। ORVMs आपके ब्लैक पियानो फिनिश में हैं। और ये देख लो भाई, रिक्वेस्ट सेंसर। जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा एस्टा और इसमें। सो भाई यहाँ तक तो देखो, अभी तक मैंने बता दिया कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कार्बन फाइबर फिनिश यूज़ की गई है टेल लाइट्स के ऊपर। और यहाँ पे रियर डिफोगर वाइपर सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे ड्यूल मफलर आपको दिया गया है, जो कि एस्टा में नहीं मिलेगा आपको। और इसकी साउंड भी आपको यूनिक मिलेगी एस्टा वगैरह से। एंड यहाँ पर आपको N लाइन की बैजिंग मिल जाएगी। सो बूट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 311 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे सब ऊपर आप देख सकते हो, बोस का आपको इसमें सराउंड सिस्टम मिल जाता है भाई, तकड़े लेवल का। आई बटन में जाकर ज़रूर सुनना, मैं हर एक गाड़ी की डालता रहता हूँ। 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो सीट्स को, इतना ही मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है अब तक तो, नॉर्मल सा ही है। बट यहाँ पर मफलर वाला जो है थोड़ा यूनिक सा आपको दिया गया है। सो रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह आपको मिल जाता है, जैसे कि एस्टा में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अब चलो पिछली सीट पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़े रेड इंसर्ट दिए गए हैं। एंड इंटीरियर आपका पूरा रेड कलर का और ब्लैक कलर में यूज़ किया गया है। रूफ़ भी आपकी इसमें पूरी ब्लैक है। चलो मिनिमम स्पेस है, आपको दिखाऊँगा बाद में, बट अभी मेरी हाइट वाला देख लो, 5'11" के हिसाब से अच्छा खासा स्पेस है, वरना से ज़्यादा स्पेस आपको इसमें i20 में मिल जाता है। मतलब कि यार गाड़ी अच्छी है यार, हुंडई की गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई सबसे ज़्यादा ही अच्छी है। सो आप यहाँ पे देख लो यार, ये मिनिमम स्पेस है बिल्कुल पीछे का रखी है। और ये रियर एसी वेंट्स, USB चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इंटीरियर देख लो यहाँ से, और यहाँ पे आपको सनरूफ दिया गया है। स्पेस मतलब ठीक है यार, डिसेंट स्पेस है। और यहाँ पर बोस आप देख लो, कंपोनेंट आपको इसमें मिल जाते हैं विद ट्विटर। सो चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देख लो, ये आपको एस्टा में भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि इसी में मिल रही है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है। और ORVMs एंड पावर विंडोज़ के कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये N लाइन की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे मतलब स्कफ प्लेट दी गई है। हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप सीट्स की मैन्युअली। और यहाँ पे आप देख लो भाई, स्टेयरिंग इसका पूरा डी कट में थोड़ा अलग सा स्टेयरिंग है। और यहाँ पर N बैजिंग दी गई है स्टेयरिंग के ऊपर। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे तो इसमें अभी आपको पूरा डिजिटल मिल जाता है, जैसे कि बाकी गाड़ियों में वरना वगैरह में मिलेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन आपको इसमें मिलने वाला है। एंड गाइस, लेदर स्टिच्ड आपको स्टीयरिंग मिलेगा विद रेड स्टिचिंग। राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड TPM वगैरह सब आप इसमें आपको मिलेगा। तो सेफ्टी में भी आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और यहाँ से आप कैमरा वगैरह ऑन कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एंड ऑन। और ये 10 इंचज़ की आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी। इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको इसमें दिया गया है। एंड रेड एम्बिएंट लाइट, जबकि एस्टा में आपको ब्लू कलर की मिलती है। और इसका गियर नॉब भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा और स्पोर्टी फील कराने के लिए। बीच में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और स्लाइडिंग आर्म रेस्ट। और स्पेस यहाँ पे इसमें डिसेंट मिलेगा आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है डैशबोर्ड पर। और कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है। IRVM आपको ऑटोमेटिक रहने वाला है इसमें। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। LED लाइट्स इसमें नहीं दी गई हैं कैबिन में। और पूरी रूफ़ ब्लैक है यार, तो पूरा अंदर अंधेरा अंधेरा रहता है। मेरे को देखो भाई, इतना पर्सनल पसंद नहीं है अंधेरा इतना। सो अब बाकी सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो चलो यार बाहर चलते हैं। मैंने देखो मोटा मोटा आपको सारा कवरेज दे दिया i20 N लाइन का। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है यार एस्टा और इसमें। थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं यार, अब इतना तो यार चलो कंपनी करती है भाई, हर एक कंपनी करती है। लाइटें चेंज कर देते हैं तो 1.5 लाख रुपये बढ़ा देते हैं भाई। मैं तो देखो इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ। बाकी सबकी एक पर्सनल चॉइस है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यहाँ तक तो लाइक मार देना यार। तो चलो बात कर लेते हैं अब इसके इंजन की। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 118 BHP विद 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ठीक है, अच्छी खासी पावर आपको मिल जाएगी। सो गाइज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।